मोहन सरकार में नवीन करणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला जी हमारे साथ है, जो कि महगांव से प्रतिनिधित्व के तौर पर मध्यप्रदेश सरकार में जुड़े हैं। तय बात है कि महगांव से फिर यहां आए और अब मध्यप्रदेश सरकार में बड़े जिम्मेदारी, जो कि मोदी जी का भी सपना है। जी हां, मोदी जी का सपना है, वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमको दी है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को जो अभी भविष्य है वर्तमान बनाने का प्रयास करूंगा। चंबल की गर्मी में अब सौर ऊर्जा बनेगी? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी, शुरुआत भी यही रहेगी कि बजरंगबली की शरण में हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्थान है। नरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी हैं, हम उनकी शरण में जाकर पहले जो कोशिश करेंगे कि वहां से कोई सोलर प्लांट वहां पर लगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। शाजापुर की बात करें, आगर की बात करें, नीमच की बात करें, मंदसौर की बात करें, पुराने प्लांट हैं सौर ऊर्जा के, तय बात है उनमें से कब तक सौर ऊर्जा मिलने लगेगी, क्योंकि ये पुराने मंत्री के द्वारा किया गया था और मोदी जी का सपना है भी। इनमें से ओंकारेश्वर भी है जो उसका है फ्लोटिंग प्लांट है, शाजापुर है, आगर है, ये मैं अगली यात्रा पे जब भोपाल आऊंगा मैं इनकी वस्तु स्थिति स्वयं देखने जाऊंगा और उसके बाद ही, लेकिन जल्दी कोशिश जल्दी की रहेगी और उसके बाद ही इसको मैं विस्तार रूप से बता पाऊंगा। दूसरा, बहुत जल्दी हम 1400 मेगावाट का मुरैना जिले में चंबल के किनारे, हमारी कोशिश ये है कि जमीन वगैरह हो गई है और उस प्लांट को जल्दी से जल्दी शुरू करें, ये मेरी प्राथमिकता भी रहेगी। पिछली बार मंत्री जी से भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नवीन करणीय ऊर्जा जो है एक दिलचस्प विभाग है, एक ऐसा विभाग है जो ऊर्जा की समस्या को खत्म कर सकता है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन वहीं रोजगार की समस्या को इससे कैसे जोड़ेंगे, आपके पास क्या जवाब रहेगा? अब रोजगार की समस्या से इसको अभी मैं इसलिए सक्षम नहीं हूं कि मैंने कुछ प्रयास किए हैं, वो प्रयास जब तक मेरी बोलने की ज्यादा आदत भी नहीं है, मैंने कुछ प्रयास किए हैं कि रोजगार से कैसे इसको जोड़ा जाए और मुझे लगता है सफल होंगे तभी हम और आप बात करेंगे। महगांव की जनता ने आपको मौका दिया है, तय बात है कि इस जगह तक आपको पहुंचाया है, पसंद करती है वहां की जनता, तो तय बात है कि आपके भी कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति, उनके विकास के प्रति, उन्नति के प्रति, क्या सोच है उनके लिए, महगांव की जनता के लिए? मैंने बताया ना कि मेरे विभाग का, मेरा, उन्होंने, उनका बड़ा भारी आशीर्वाद है, उसी कारण यहां बैठा हूं मैं और मुझे जो जिम्मेदारी उन्होंने उनके आशीर्वाद से मिली है और जो विभाग मिला है वो कहीं ना कहीं महगांव में दिखेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महगांव में नहीं दिखे। मतलब पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ जो अन्य सुविधाएं महगांव अभी तक महरूम था वो महगांव को सब मिलेगी अब? आप देखिए, महगांव महरूम नहीं था, बिजली के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर सब स्टेशन जो भी बिजली के क्षेत्र में काम महगांव में मिलेंगे आपको, आपको पुल वगैरह जो अभी टूट गए हमारे यहाँ तो वो टूट गए उसका भी काम चल रहा है तो महगांव में मिलेंगे आपके, आपके जो अन्य जो काम है चाहे वो रोड के हों चाहे किसी भी स्वास्थ्य के हों, कमी जरूर है उसको पूरा करेंगे और ये कमी बनी रहनी चाहिए जिसको काम करते रहेंगे और लगातार इसको कैसे बढ़ाया जाएगा इसके सारे काम करेंगे। पलायन आपके जिले की एक बड़ी समस्या, वो ग्वालियर निकल जाते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तय बात है, तो पलायन को रोकने के लिए भी कुछ उपाय होंगे आपके क्षेत्र के लिए? वो उसको पलायन तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर है कि एक हमारे यहां चूंकि ग्वालियर एक सेंटर है हर दृष्टि से, लोग अपने यहां के लोग स्थायी रूप से बसने नहीं जाते कभी शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो पलायन, जो आपके शब्दों में पलायन है वो भी, उसकी भी कोशिश ये रहेगी कि कोशिश ये करें कि महगांव में ही, महगांव और भिंड जिले में, अब चूंकि महगांव के अकेले की बात करना, आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का काम किया है तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि सब जगह विकास हो और लोगों को बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। सब जगह विकास हो, लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, तय बात है कि मंत्री जी के ऊपर महगांव से लेकर प्रदेश के हर उस व्यक्ति का की जिम्मेदारी है जो नवीन करणीय ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, लाभ लेना चाहता है। मंत्री जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या
कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनेश श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।